जब भी हम सत्संग में आते हैं और उसके बाद लंगर ग्रहण करने का हमें मौका मिलता है, तो जो गुरु का लंगर है वो भोजन है जो कि हमारे सद्गुरु ने अपनी रूहानियत किरणों के ज़रिए उसमें ताकत दी है, उसको चार्ज किया है ताकि उनकी कमाई का कुछ हिस्सा हम तक पहुंच सके। तो जब हम लंगर को ग्रहण करते हैं तो जिस किस्म की एनर्जीज उस खाने में होंगी वही हम तक पहुंचेंगी। तो जब सत्संग घर में आते हैं तो लंगर स्थान पर जहाँ लंगर बनता है वहाँ पर जितने भी भाई बहन सेवा कर रहे होते हैं उन्हें यही समझाया गया होता है कि वो उस समय सिमरन करें। सिमरन प्रभु के नाम के जाप को कहा गया, प्रभु के नाम का जाप करें। वो जाप इसलिए किया जाता है कि प्रभु की ओर ध्यान जाए, कि जब हम खाना बना रहे हैं तो चाहे हम कुछ प्याज काट रहे हों, चाहे कोई सब्जी बना रहे हों, चाहे चपातियां बना रहे हों या दाल या कुछ और कुछ भी लंगर में सेवा कर रहे हों, तो जो भी हमारे ख्यालात होंगे उनका उस खाने पर असर होगा। तो जब हम सिमरन करते हैं तो फिर हमारा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर होता है और जो सच्ची सुच्ची एनर्जी है जो प्रभु की नज़दीकी पाने में है उसका असर उस खाने पर होता है। इसीलिए जब लंगर में जो भी सेवा कर रहे हैं उन्हें यही समझाया जाता है कि वहाँ पर जब आते हैं तो ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करें ताकि जो खाना वहाँ बन रहा है जिसको भाई बहन ग्रहण करेंगे उनको बेहतर से बेहतर अच्छे से अच्छा खाना मिले। फिर लंगर परोसने से पहले हम अपने सद्गुरु से रिक्वेस्ट करते हैं कि लंगर को वो ब्लेस करें। उसका पर्पज़ ये है कि उनकी दिव्य दृष्टि उस लंगर पर पड़े। अब जब संगत इतनी बड़ी होती है जैसे यहाँ हिंदुस्तान में है तो बहुत सी बार थोड़ा सी चीज़ें लाई जाती हैं ताकि उनको ब्लेस कर दिया जाए और फिर वो जो खाना ब्लेस किया जाता है वो जाके जो सारा खाना उसमें मिला दिया जाता है ताकि हमारे सद्गुरु की जो स्पिरिचुअल रेडिएशन है, जो उनकी रूहानी ताकत है जो उनकी आँखों के ज़रिए आ रही है वो उस खाने के अंदर पड़े और फिर वो खाना जब सारे खाने के अंदर मिला दिया जाता है तो ना ही सिर्फ जो भाई बहन जिन्होंने खाना बनाया उनकी तवज्जो प्रभु की ओर रही लेकिन उसमें फिर हमारे सद्गुरु की दिव्य दृष्टि पड़ी हुई होती है, उनकी कमाई का हिस्सा पड़ा होता है। तो फिर जब हम उस लंगर को ग्रहण करते हैं तो हमारा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर जल्दी लगना शुरू होता है। तो लंगर का पर्पस ये है कि एक सद्गुरु से ब्लेस्ड जो खाना जो भोजन में मिलता है उसको हम ग्रहण कर पाए और उसके ज़रिए जो मन इंद्रियों की लेयर्स हमारे ऊपर पड़ी हुई हैं वो हटें, हमारा ध्यान आसानी से प्रभु की ओर लगे ताकि जब हम लंगर खाते हैं उसका असर हमारे अंदर होता है, फिर हम अभ्यास के लिए बैठते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा अभ्यास बेहतर होता है, हमारी तरक्की अंदर के मंडलों में जल्दी होती है और जितने भी हमारे अनुभव हैं वो और गहरे होते चले जाते हैं। तो इसीलिए जो लंगर में से कुछ हम लेते हैं खाने के लिए वो हमें पूरे का पूरा ग्रहण करना चाहिए, उसे फेंकना नहीं चाहिए, उसमें बड़ी ताकत है और उतना ही लेना चाहिए जितना हमें चाहिए, क्योंकि वो खाना जिसमें ताकत है वो बर्बाद नहीं होना चाहिए, वो सही जगह पे पहुंचना चाहिए।
तो जितना जितना हम ग्रहण करना चाहते हैं उतना उतना हमें करना चाहिए। अगर घर में किसी और के लिए लेके जाना है तो हम लेके जा सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं है, लेकिन उस लंगर प्रसाद को कहीं पे ख़राब नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए, कहीं फेंक नहीं देना चाहिए कि हमने ज़्यादा ले लिया या कुछ और हो गया। तो जब भी हम बैठे लंगर खाएं, उतनी सब्जी लें, उतना दाल लें, उतनी चपातियाँ लें, उतनी और चीज़ें लें जितनी कि हम खुद खा सकते हैं। और जो भी उस खाने को खाएगा, चाहे वो सत्संगी होगा या नॉन सत्संगी होगा, सबको उसका बहुत फ़ायदा आध्यात्मिक रास्ते पर होगा, ताकि उनकी तरक्की प्रभु की ओर तेज़ी से हो।